नमस्ते, मैं डॉक्टर संजीव आज एक कोरोना पेशेंट को अटेंड करने आया हूँ। चलिए देखिए कि सबसे पहले आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। मैंने एक N95 मास्क डाला हुआ है। मैं अपने हाथ को साबुन से या सैनिटाइजर से अच्छे से साफ करने के बाद एक प्रोटेक्टिव गाउन या घर का बना हुआ जो किचन में गाउन रहता है वो डाल रहा हूँ। आप एक बार अच्छे से गाउन से प्रोटेक्ट होने के बाद इस पेशेंट के पास जाके आपको दो या चार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेनी है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि ये डिसीज है। आप देखिए, ये मैंने 14 दिन का ग्राफ बनाया है। आपको ये देखना है कि मरीज को बुखार कौन से दिन आया था। ये नॉर्मल कर्व है। पहले 5 दिन बुखार बढ़ता 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 10 दिन में बहुत बढ़ जाता है और 14 दिन में उतर जाता है। हमारा मरीज आज कौन सी स्टेज पे है? सर, आपको बुखार कितने दिन से आ रहा है? 5 दिन से आ रहा है। आपको सांस फूल रही है? इसके अलावा कोई और सिम्टम है क्या? बॉडी पेन्स है। और टेस्ट स्मेल नहीं आ रहा। और खाने भूख कैसी लग रही है? नॉर्मल भूख है। तो अब हम सबसे पहली इंफॉर्मेशन लेते हैं इस पल्स ऑक्सीमीटर से। जब हम पेशेंट को के 1 मीटर के डिस्टेंस में हैं, तो देखिए कि आप एक मास्क डाले हो और मरीज भी एक मास्क डाला हो। आप एक पल्स ऑक्सीमीटर से इनकी ऑक्सीजन चेक करिए, देखने के लिए कि ये कितने सेफ हैं। रिपोर्ट एकदम नहीं आती, हल्के हल्के जैसे ये ट्राइंगल बनने शुरू हो जाते हैं तब यहाँ वैल्यू आती है। देखिए इनकी ऑक्सीजन है 98। तो इनको दो तीन चीजें बतानी है। पहली चीज कि आप सेफ हैं क्योंकि आपकी ऑक्सीजन 90 से ऊपर है। 90 से ऊपर कोई भी पेशेंट घर में रह सकता है, आराम कर सकता है। दूसरी चीज, आप आज ये 5वें दिन पे हैं। हो सकता है कि आपका बुखार या आपका सांस बढ़ना शुरू हो और बहुत पीक हो जाए। जो लोग 10 दिन क्रॉस कर गए हैं उनकी बीमारी हल्के हल्के अपने आप ठीक हो जाती है और उनको कोई डरने की बात नहीं रहती। जो लोग 5वें या 7वें दिन पे हैं, वो ध्यान रखें, अगर भूख लगना कम हो जाए, सांस फूलना शुरू हो जाए या तकलीफ ज्यादा बढ़ जाए तो हॉस्पिटल आएं और अपनी ऑक्सीजन चेक करें कि 90 से कम तो नहीं हो गई। अब देखिए, इन्होंने मुझे कहा कि मुझे भूख कम लग रही है। पहले वाली टाइम पे हम लोगों ने देखा कि कुछ दवाइयां जो हम कोरोना पेशेंट को देते हैं वो हर कॉमन वायरल इलनेस में दी जाती है। जैसे कि ये वो दवाइयां हैं विटामिन की जो आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाते हैं, कोई भी ले लीजिए, सब एक जैसा है। ये सिर्फ भूख खोलने के लिए दी जाती है। इससे अच्छा मैं आपको हमेशा कहूंगा, ये वाली दवाइयों से अच्छा आप मरीज को एक अच्छा भरपूर पौष्टिक आहार दो, जिसमें वेज नॉन वेज कॉमन। आप मरीज से पूछिए, साहब आप जो खाना पसंद करते हैं जैसे फल फूल वेजिटेबल्स सूप जूस, वो सब आप फल ताजा ला करके दिन में 3 या 4 बार खाइए। ये आपकी बॉडी का सबसे अच्छा विटामिन है, इससे अच्छा विटामिन नहीं आता। तो ये हो गई हमारे खाने और विटामिन्स की बात। जो लोग इस कमरे में आएंगे और इनको टच करेंगे, या तो वो साबुन से हाथ धोएंगे या अगर आपको इनकन्वीनियंट लगता है तो आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इनको छूने के बाद हमको अपने हाथ को सैनिटाइज कर लेना है, या ग्लव डालने की प्रॉब्लम नहीं रहती, हर बार छूने के बाद आपको ग्लव फेंकने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ग्लव डाल के सारा दिन घूमते रहो, तो आप सारा इन्फेक्शन हर जगह डाल दोगे। इसलिए हाथ सैनिटाइज कर लेना ज्यादा अच्छा आइडिया है ग्लव डालने के बजाय। फिर ग्लव यूज क्यों करते हैं? जैसे हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करते ही ग्लव उतार के फेंक देते हैं। अब दूसरी चीज, ये जो मार्केट में दूसरी दवाइयां आ रही है सांस फूलने की, तो ये नॉर्मल किसी भी सांस फूलने में, लंग्स के इन्फेक्शन में, जो सिट्रजीन मल्टीलुकास्ट ये जो सारी दवाइयां हैं, ये मार्केट में कोरोना का इलाज नहीं है। ये सिर्फ आपके खड़खड़ या सांस फूलने का इलाज है। और ये कब देना है? जब आपको तकलीफ लगे। जैसे पेरेस्टामोल की गोली कब देनी है और कितनी देनी है? बुखार आए तो पेरेस्टामोल की गोली लीजिए, शरीर में दर्द है तो पेरेस्टामोल की गोली लीजिए। कितनी बार ले सकते हैं? 3 बार 4 बार ले सकते हैं आप। और अगर आपको दर्द बुखार कुछ नहीं आ रहा तो मत लीजिए। अगर आपको खांसी है तो मार्केट के अवेलेबल ज्यादातर सिर्फ एक ही फॉर्मूले के होते हैं। आप एक ढक्कन भर के, छोटा बच्चा हो तो आधा ढक्कन, बड़ा आदमी हो तो एक ढक्कन भर के 2 से 3 बार ले सकते हैं। सबसे ज्यादा डर लोगों को कोरोना से तब लगता है जब उनको बहुत बड़ी बड़ी खांसी आनी शुरू हो जाती है। चिंता बिल्कुल मत करिए,
आपको एक काम करना है, जब आप घर जाएंगे दिन में कोशिश करेंगे कि आप उल्टा सोइए। आपका ये सवाल हो सकता है कि मेरी ऑक्सीजन तो ठीक है तो मैं उल्टा क्यों सो। प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपकी ऑक्सीजन कम होगी तब आप बहुत इरिटेबल हो जाएंगे और तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि इसको उल्टा सोया कैसे जाता है, आप अनकंफर्टेबल होंगे। जैसे कि हम रोज के लिए तैयारी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए उल्टा सोने की प्रैक्टिस। सोना कैसे है, ऐसे आदमी सोता है, ऐसे करके सोना है, चाहे कितने भी तकिए लगाइए, एक लगाइए, दो लगाइए, ये प्रैक्टिस रोज करेंगे तो आपके लंग्स के अच्छे हिस्से खुल जाएंगे जिससे कि आपके ऑक्सीजन मेंटेन रहेगी और आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहेगी। ये पर्टिकुलर पेशेंट की ऑक्सीजन 98 आई थी तो इनको कोई भी ऑक्सीजन, गैस सिलेंडर, कंसेंट्रेटर किसी की जरूरत नहीं है, ये घर में रह के खुश रहेंगे। दूसरी चीज, बार बार टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि 14 दिन के अंदर कोरोना अपने आप मर जाता है, जैसा मैंने इस ग्राफ में बताया था। इसलिए आपको अपने घर में अलग 14 दिन के लिए रहना ही रहना है अलग। अब बची कि पहले जमाने में हमने बहुत सारी दवाइयां ट्राई करी, तो कोरोना में आज के टाइम पे दवाई काम कौन सी कर रही है, आइवरमेक्टिन और रेमडेसिविर ज्यादा काम नहीं कर रही। लोग इनफैक्ट रेमडेसिविर को इतना पसंद कर रहे थे क्योंकि ये यूएस से आई थी, बट इसका काम पहले 1 वीक के अंदर अंदर है। अगर पेशेंट की डिसीज बढ़ी नहीं है, फीवर आने की शुरुआत ही है, तब आप ये लगाएं तो काम करती है, ये वायरस की मल्टीप्लीकेशन को रोकती है। बट आपका इम्यून सिस्टम गुड इनफ है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा वायरल, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम इससे लड़ लेता है, इसलिए ये यंग लोगों को देने का फायदा नहीं है, कम डिसीज वाले लोगों को देने का फायदा नहीं है, या जो ठीक ठीक दिख रहे हैं उनको देने का फायदा नहीं है। जो बहुत सिक दिख रहे हैं, जो लगता है जल्दी कोलैप्स हो जाएंगे और अर्ली पार्ट ऑफ द डिसीज में है, उनको रेमडेसिविर। आइवरमेक्टिन बिल्कुल काम नहीं करती और भूख खत्म कर देती है, इसलिए ये गोली मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। जो दो गोलियां रियली काम करी वो थे स्टेरॉइड्स। कौन सा स्टेरॉइड, बहुत सारे मार्केट में स्टेरॉइड मिलते हैं जो 5 या 10 रुपए 20 रुपए गोली के हिसाब से आते हैं, जिसमें प्रेडमेड, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ये रिसर्च यूके में हुई थी, यूके में पाया गया था कि एक ही गोली, एक ही दवा है पूरी दुनिया में, वो है स्टेरॉइड, जिससे कोरोना के लोग बचे। पर ये लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए नहीं है। पर आप समझिए, स्टेरॉइड अगर पहले हफ्ते में हमने दे दिए, ये पहले हफ्ते में जब आपका बुखार पहले 4, 5, 10 दिन तक आने लगा, ये पहले हफ्ते में स्टेरॉइड देने से आपकी इम्यूनिटी मर जाती है और वो स्टेरॉइड से लड़ नहीं पाती, इसलिए पहले 7-10 दिन के अंदर स्टेरॉइड देना नुकसानदायक होता है। पर जब एक बार ये डिसीज अपनी पीक पे आ जाती है, जैसे कि बुखार बहुत आने लगे, कमजोरी, कुछ भी खाया नहीं जा रहा हो, तब आप यहाँ पीक पे, तब स्टेरॉइड की गोली काम करती है और तभी ब्लड थिनर की इंजेक्शन या टैबलेट्स भी काम करती है। वो कौन से ब्लड थिनर के इंजेक्शन है, नॉर्मल जो हार्ट अटैक वाले लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है तो हम ब्लड थिनर के इंजेक्शन देते हैं, ये प्रीलोडेड सिरिंज में आते हैं, आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, और टेस्ट कराते हैं डी डाइमर की आपके ब्लड में क्लॉट्स हो रहे हैं कि नहीं, ये देखने के बाद ये आपको इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। अगर इंजेक्शन लेना इनकन्वीनियंट हो तो ये लोग टैबलेट्स दे देते हैं, ये सुबह शाम ली जाती है 21 डेज के बाद, उसके बाद बंद कर दी जाती है। कोरोना क्योंकि सिर्फ 14 दिन का इलनेस है, ये 100% ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाता है। 100 में 99% लोगों को सिर्फ ये डोलो, पैरास्टामोल की गोली लेकर के ही ज्यादातर ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों की बीमारी बढ़ती है उसके हिसाब से मैंने आपको दवाइयां बताई हैं। उल्टा सोना, पॉजिटिव रहना, डरना नहीं और अच्छा खाना खाना आपके लिए रामबाण साबित होगा। ये जो सेटअप है ये 99% छोटे पीएचसी में, घर में बनाए जा सकते हैं और ऐसे छोटे छोटे सेंटर से आप लोगों का बहुत सारा इलाज कर सकते हैं। हॉस्पिटल आने वाले लोग वही होंगे जिनकी ऑक्सीजन 90 से कम हो या जो बिल्कुल खाना खाना छोड़ दिए। इसके अलावा 99% पेशेंट्स हम घर में इलाज कर सकते हैं।